बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने विवादित बयान देकर मामले को फिर से सुलगा दिया है। अपने जन्मदिन के एक कार्यक्रम में मंत्री अमर अग्रवाल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुझे हजारों लोगों ने फोन करके कहा कि कांग्रेस नेताओं को कम मार पड़ी है, इनको ज्यादा मार पड़नी चाहिए थी। वो जनता पहचानती है और मैं अनेकों बार कहता हूं कि आज इस शहर का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, बिलासपुर की जनता को उनको चेहरे को देखकर डर लगता है। उनकी छवि जो है बिलासपुर की जनता के सामने किस प्रकार की है मेरे को कहने की जरूरत नहीं। जनता खुद बताती है कि इनकी छवि क्या है, परिणाम वो जानते हैं। और अब सहानुभूति लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने बहुत ज्यादा तो नहीं मारा, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी किया है वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। आज अभी सतीश गुप्ता आए घबराए हुए, बोले सरकंडा में पोस्टर लगा हुआ है पीठ में। बोला कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहना नहीं चाहता, हजारों लोगों ने मेरे को फोन किया है। हालांकि वो पुलिस की घटना, हमारा कोई रोल नहीं है। बोले ये इसी के लायक हैं, इनको कम पड़ी है। ये आम जनता बिलासपुर की बोलती है, आम जनता बोलती है। और ये चाहते हैं इनको सहानुभूति मिल जाए। इनको कोई सहानुभूति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो कर्म किया है, जो इस बिलासपुर शहर को लूटा है, इस गरीबों की जमीन को लूटा है, और जो माफियागिरी इस कांग्रेस ने की है, जनता की कोई सहानुभूति इनके साथ नहीं है। और इस प्रकार की हरकत करना कि जानबूझ के पेपर में स्थान पाने के लिए करना, मेरी खुली चुनौती है उनको, खूब पोस्टर लगाओ, खूब वीडियो वायरल करो और जो करना है करो। मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं, न केवल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। और इन्होंने बयान दिया, कल मैं नेता प्रतिपक्ष सी एस बाबा का आज हरिभूमि में बयान पढ़ रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और नगरीय विकास मंत्री अमर अग्रवाल का विरोध हम करते रहेंगे सारे कार्यक्रमों का। मेरी शुभकामनाएं हैं। For more information, log on to www.clips.in.